नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरु जी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो हमारे चैनल में जो नए हैं तो सबसे प्रथम में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम बताएंगे कि जो काल सर्प दोष की पूजा होती है उसके शुभ दिन कौन से होते हैं, कितने घंटे की पूजा रहती है और इसमें कितना खर्चा आता है। तो सबसे प्रथम में बता दें कि जो काल सर्प की पूजा होती है वो पूरे भारत में सिर्फ त्र्यंबकेश्वर भूमि में की जाती है। तो सबसे प्रथम में इसकी जो विधि होती है, सबसे प्रथम में हमें कुशावर्त कुंड जाना होता है। कुंड में जाने के बाद में स्नान करना है। स्नान विधि होने के बाद में जो अपने कपड़े लाते हैं नए पूरे उसको पहनना है। वस्त्र चेंज करने के बाद में मंदिर का दर्शन करना है। मंदिर का दर्शन होने के बाद में जिस भी पंडित जी से आपकी बात हुई है उनके आश्रम में जाना है। आश्रम में जाने के बाद में जो विधि होती है, सबसे प्रथम में हाथ पैर धोना है, शुद्ध होना है। शुद्ध होने के बाद में पहले 15 से 20 मिनट का शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक किया जाता है, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद में पूजा का प्रारंभ किया जाता है। सबसे प्रथम में जो विधि की जाती है, पहले मंडल में गणेश जी का पूजन किया जाता है, पुण्य हवाचल पूजन, कुल देवी षोड़श मां दुर्गा पूजन, उसके बाद में पितृ पूजन किया जाता है। पितरों का पूजन नांदी श्राद्ध क्यों करते हैं कि हमारे जीवन में पितृ की जो है खुश रहे, पितृ संतुष्ट रहे, विघ्न बाधा ना आए, कारोबार में तकलीफ ना हो, पैसा टिके और लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना हो, विघ्न बाधा ना आए, उसके लिए पितृ पूजा कराई जाती है, जिसे नांदी श्राद्ध पूजन कहते हैं। उसके बाद में तीसरे मंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश चार वेदों का पूजन होगा और गंगा यमुना सरस्वती का पूजन किया जाता है। उसके बाद में नवग्रह जी का पूजन होगा। नवग्रह जी का आवरण स्थापन करने के बाद में लास्ट में महादेव जी का पूजन करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि कोई भी पूजा छोटी से लेकर के बड़ी पूजा कौन सी भी पूजा करते हैं तो सबसे प्रथम में गणेश जी का पूजन और लास्ट में महादेव जी का पूजन किया जाता है। जब तक महादेव जी का पूजन नहीं करते हैं तो पूजा का लाभ हमें नहीं मिलता है। तो उसके बाद में महादेव जी का पूजन होने के बाद में आपके पूजा में 9 चांदी के नाग रखे जाते हैं, 2 राहु केतु की मूर्ति रहेगी, उनका अभिषेक शांति पाठ करके पंचोपचार करके नैवेद्य दिखाने के बाद में उसके बाद में हवन किया जाता है। हवन होने के बाद में आरती इत्यादि करके आपको जो चांदी के नाग नागिन दिए जाते हैं वो मंदिर के बगल में कुशावर्त कुंड है, वहाँ पे जाना होता है। 3 बार उतार उतारा करके चांदी के नाग नागिन विसर्जन करने होते हैं। उसके बाद में स्नान करना है। जो पूजा में बैठेंगे, पूजा में जो पहन करके वस्त्र बैठते हैं उसको वहाँ पे विसर्जन कर देना है, नहाना धोना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, उसके बाद में फिर से दर्शन करना है। उसके बाद में भोजन इत्यादि करके अपने घर के लिए आप रवाना हो सकते हैं। और ये कितना खर्चा आता है नीचे नंबर दिया गया हुआ है,